हम सभी के फोन में ऐसे बहुत से ऐप्स होंगे जिन पे हम ऐप लॉक लगाना चाहते हैं और जिसके लिए हम प्ले स्टोर पे जाकर ऐप लॉक भी डाउनलोड करते हैं, पर वहां पर जाने के बाद हमें बहुत सारे ऐप लॉक दिखाई देते हैं। वेल डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक ऐसा ऐप लॉक लेके आया हूँ जो इन सभी में से बेस्ट है। तो इस ऐप लॉक के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आप देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं टेक मुंबई कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर पे जाकर ऐप लॉक सर्च करके जो ये वाला आइकन है थर्ड नंबर वाला, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे जो प्लस बटन बना है इस पर टैप करके आप और आपको फिर से इस पर टैप करना है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे बाजू में एक फेक वाला ऑप्शन दिखाई देगा। अब इसे इनेबल करने के बाद होगा ये कि जब कोई भी इस ऐप को ओपन करना चाहेगा तो वहाँ पे एक पॉपअप आएगा जहाँ पे लिखा होगा अनफॉर्चुनेटली दिस एप्लीकेशन हैज स्टॉप। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने एमएक्स प्लेयर को लॉक किया है, तो जब इसे कोई ओपन करना चाहेगा तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा होगा कि आपका एमएक्स प्लेयर बंद है। तो अगर इस पर कोई एक बार ओके कर देगा तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, पर इस पर अगर आप टैप करके रखेंगे तो यहाँ तो आपको आपका एमएक्स प्लेयर ओपन मिल जाएगा। इसी तरह आपको और भी यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो अब मैं आपको इसकी सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। तो लेफ्ट साइड में आपको इसकी सेटिंग्स मिल जाएगी। तो जो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखाई देगा वो है पासवर्ड सेटिंग का। यहाँ पे आपको पासवर्ड पिन, पैटर्न, पासवर्ड कैरेक्टर और जेस्चर का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप जिस टाइप का पासवर्ड यहाँ पे रखना चाहते हैं या पैटर्न रखना चाहते हैं तो उसे यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक पैटर्न का एग्जाम्पल दिखा दूँ, तो यहाँ पे मैंने पैटर्न लॉक चॉइस किया है और उसके बाद आपको यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके बाद जब आप यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक विड्थ और हाइट करके ऑप्शंस दिखाई देगा जहाँ पे आप इसके डॉट्स को बढ़ा सकते हैं। तो बस आपको इसे इस तरह बढ़ाना है, तो कुछ इस तरह का आपका पैटर्न हो जाएगा। तो आप जो चाहे उस तरह का लॉक यहाँ पे लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक डॉट को कन्फर्म कर देता हूँ। तो जैसा कि अगर मैं यहाँ पे अपने एमएक्स प्लेयर को ओपन करूंगा तो कुछ इस तरह का पैटर्न यहाँ पे मुझे दिखाई देगा। कोई भी इस पैटर्न को देख के हैरान हो जाएगा और सोचने लगेगा कि क्या है इसका पैटर्न लॉक। सिंपली मैंने यहाँ पे एक डॉट रखा है जिसे टच करने पे ये ओपन हो जाता है। आपको यहाँ पे पासवर्ड पिन और पासवर्ड कैरेक्टर पता ही होगा। तो जो अगला ऑप्शन आता है वो है जेस्चर का। तो अगर आप अपने फोन में एक जेस्चर वाला लॉक रखना चाहते हैं तो बस आपको इस पर टैप करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी एक जेस्चर ड्रॉ करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 कर देता हूँ और इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। अब जब आप अपने लॉक वाले ऐप को ओपन करेंगे, लॉक है वहां पे आपको एक जेस्चर पूछेगा। जैसा कि हमने 2 बनाया तो यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, तो ये ओपन हो गया। पर अगर आप चाहते हैं कि वो जेस्चर किसी को दिखाई ना दे जो आप बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पे लिखा है हाइड जेस्चर। तो इस पर आपको टैप करना है। इसके बाद जब आप उसे अनलॉक करेंगे तो यहाँ पे ये जेस्चर दिखाई नहीं देगा, तो कोई भी नहीं समझ पाएगा कि आपने कौन सा जेस्चर बनाया है। अब ये थे लॉक्स के टाइप, पर अगर आप यहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट को यूज करके अनलॉक करना चाहते हैं तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद जो कमाल के फीचर्स है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताता हूँ। इसके बाद जो इस ऐप लॉक में कमाल का फीचर है वो है इसका ऑब्जर्वेशन। आपको यहाँ पे नीचे एक ऑब्जर्व करके ऑप्शन दिखाई देगा, तो अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो जब भी अगर आपके कोई लॉक ऐप को अनलॉक करना चाहेगा और उसे अगर खोल नहीं पाएगा तो फ्रंट कैमरा की मदद से उसका एक फोटो कैप्चर कर लेगा जहां पे आपको कुछ इस तरह के सैंपल्स दिख जाएंगे। तो इस ऐप को आप अपने ऐप लॉक के लिए भी यूज कर सकते हैं और अपने फोन को भी लॉक करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से आपके फोन के लिए बेस्ट ऐप लॉक। अगर आपको ये ऐप कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपका कोई कमेंट या क्वेरी है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर करूंगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मैं मिलता हूँ ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।